पोस्टीरियर मेडिस्टाइनल ट्यूमर हमारे चेस्ट के पीछे के हिस्से में एक स्थित होता है, जिसके एक तरफ रीढ़ की हड्डी होती है और दूसरी तरफ लंग होता है। तो यह एक बड़े क्रिटिकल एरिया में होता है और वहां हाथ तो बहुत अच्छी तरह काम करते हैं, लेकिन उसके लिए फिर ओपन सर्जरी करनी पड़ती है। अगर हाथ जैसा ही अच्छा मैन्यूवरेबिलिटी चाहिए लेकिन ओपन सर्जरी नहीं चाहिए, हम छोटे छोटे होल से करना चाहें, तो जो रोबोट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो बिल्कुल हाथ का रेप्लिकेशन होते हैं और हम इसकी सर्जरी रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा उतनी ही अच्छी और उतनी ही सफलता से और उतनी ही सेफ्टी से कर सकते हैं जैसा कि ओपन सर्जरी में होता है, विदाउट डिसएडवांटेजेस ऑफ ओपन सर्जरी। तो अगर आप मुझसे पूछें कि पोस्टीरियर मेडिस्टाइनल ट्यूमर के लिए आज की तारीख में सर्जरी ऑफ चॉइस क्या है, तो जवाब होगा कि रोबोटिक सर्जरी के द्वारा निकाला जाना आज की तारीख में पोस्टीरियर मेडिस्टाइनल ट्यूमर के लिए सर्जरी ऑफ चॉइस है। इससे क्विक रिकवरी होती है, कंप्लीट ट्यूमर रिमूवल हो जाता है, सेफली हो जाता है और पेशेंट बहुत ही जल्दी चंद हफ्तों के अंदर अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस चला जाता है।